Zombie Apocalypse. तो गाइस स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो यार आज हम लोग कुछ ऐसे ट्रूप्स के बारे में बात करेंगे जो पहले कुछ और थे और अभी कुछ और है। नहीं नहीं यार, मैं जेंडर चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके फेवरेट टारगेट्स के बारे में, उन लोगों के लुक्स के बारे में और भी कई सारे चीज़ें। तो चलो यार इस वाले वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यार हमारे लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा प्यारा हॉग राइडर, जो कि यार हमारे पूरे बेस में सबसे ज़्यादा फेमस है उसके आवाज़ के लिए, उसके गानों के लिए और उसके कारनामों के लिए। तो यार उसका जो अभी सीक्रेट बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत सारे जन को पता होगा और बहुत सारे जन को नहीं भी पता होगा। तो यार आपको जैसे ही पता है कि यार जब भी क्लैश ऑफ क्लैंस रिलीज़ हुआ था और जब भी क्लैश ऑफ क्लैंस वाले ने हॉग राइडर को अपने गेम में इंक्लूड किया था, तो यार तभी वो हर एक चीज़ को, यार किसी भी चीज़ को फोड़ देता था। उसका कोई फेवरेट टारगेट नहीं था, उसका फेवरेट टारगेट था हर एक चीज़, मतलब वो किसी भी चीज़ को यार फोड़ ही देता था। भले से उसके सामने एयर डिफेंस हो, टाउन हॉल हो, क्लैन कासल हो या फिर कुछ भी होने दो, वो हर एक चीज़ को फोड़ेगा। और डिफेंस को तो फोड़ना ही है क्योंकि यार वो भी बेस में इंक्लूडेड है। तो यार वो डिफेंस को छोड़ के हर एक चीज़ को फोड़ता था और बाद में डिफेंस को भी फोड़ता था। जैसे कि यार अभी आप देखेंगे तो यार उसे, उसका जो फेवरेट टारगेट है वो है डिफेंसेस। और गाइस हॉग के बारे में मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार उसका जो हाउसिंग स्पेस है अभी के टाइम पे है उसका 5, पर यार पहले के टाइम पे उसका था 6। तो यार हाँ यार ये बहुत सारे जन को नहीं पता होगी, यार मैंने आपको बता दिया, तालियां बजा दूँ। सो गाइस जो हमारे लिस्ट में दूसरा है उसका नाम है बॉलर। तो यार बॉलर जो है यार उसका भी एक सेम कंसेप्ट है हॉग राइडर की तरह। तो यार उसका जो हाउसिंग स्पेस था यार पहले था 8, पर यार अभी के टाइम पे यार उसका है 6। तो यार इसका 2 हाउसिंग स्पेस जो है वो कम हो चुका है, और ये जो हुआ है चेंज वो अपडेट के बाद ही हुआ है। और ये भी चेंजेस यार आपको बहुत कम लोगों को पता होगी। तो यार चलो यार अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस जो तीसरे में हमारे पास है वो है ड्रैगन। तो यार आपको पता ही होगा कि यार TH7 का सबसे फेमस बंदा या फिर बंदी ड्रैगन, TH7 का सबसे फेमस अटैक ड्रैगन अटैक, मास ड्रैगन अटैक, ये सारे अटैक्स यार उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। सो गाइस हमारा जो ड्रैगन है ना, ये हमारे TH7 का बहुत ही चहीता सुपरस्टार है। तो यार अभी जो ड्रैगन लवर्स है ना, उनको जान के ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि यार पहले के टाइम पे जब क्लैश ऑफ क्लैंस लॉन्च हुआ था और उन्होंने ड्रैगन को इंक्लूड किया था, तभी ये एरिया स्प्लैश नहीं देता था। हाँ गाइस यार ये एरिया स्प्लैश नहीं देता था, ये सिर्फ सिंगल टारगेट को पकड़ता था। अगर समझे यार CC से कोई भी यार आर्चर्स निकल गई, 20 आर्चर्स, 30 आर्चर्स, तो यार ये ड्रैगन जो है सबको एक एक करके मारता था, और तब तक भाई ड्रैगन को उन लोग ख़त्म कर चुके होते थे। तो यार ये पहले के टाइम पे बहुत ही बड़ी वाली मुसीबत थी। तो यार अभी के टाइम पे तो ये सही है कि यार एरिया स्प्लैश करता है और ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए यार हम बढ़ते हैं चौथे की तरफ। और हाँ गाइस यार चौथे पे बढ़ने से पहले यार मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि यार पहले ड्रैगन का जो लुक था वो एकदम अजीब दिखता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा दिखता था। सो गाइस जो कि हमारे चौथे पर है उसका नाम है विजार्ड। तो यार सबको पता ही होगा कि यार विजार्ड कौन है, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हो तो विजार्ड तो पता ही होगा आपको। सो गाइस यार विजार्ड जो है यार इसका भी सेम प्रॉब्लम था जस्ट लाइक ड्रैगन। तो यार ये भी यार एरिया स्प्लैश नहीं करता था, ये सिर्फ सिंगल टारगेट को ही पकड़ता था, और ये बहुत ही बड़ी वाली मुसीबत की बात थी तभी के टाइम पे, कि अगर CC में से यार कोई भी आर्चर या फिर विजार्ड निकल जाते थे तो यार खतरनाक हो जाता था एकदम। क्योंकि यार एरिया स्प्लैश के टाइम पे यार अभी एक साथ वो 10 को भी यार 10 आर्चर्स को डिफेंड कर सकते हैं अगर CC में से निकल गए, पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, वो सिर्फ एक आर्चर को डिफेंड करते थे और तब तक भाई ख़त्म हो जाता था विजार्ड। सो गाइस ये थी हमारी दुख भरी कहानी विजार्ड के ऊपर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइस यार अभी जो हमारे पास पांचवा वाला ट्रूप है यार उसका नाम है पैका। तो यार पैका को आपको पता ही होगा कि यार पहले के टाइम पे वो स्प्रिंग ट्रैप जो होती थी यार उससे उछल जाती थी, मतलब यार अभी के टाइम पे यार वो स्प्रिंग ट्रैप से यार नहीं उछलती, वो यार एकदम ही चले जाती है यार स्प्रिंग ट्रैप के ऊपर से चले जाती है। पर पहले के टाइम पे यार वो स्प्रिंग ट्रैप से अफेक्टेड होती थी, मतलब यार फ्लाई ओवर हो जाती थी, भाग जाती थी। अगर गाइस मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो यार पैका को पहले स्प्रिंग ट्रैप उछाल देती थी। सो गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो यार प्लीज़ इसे लाइक मारो, अगर आप यहाँ पर नए पहुँच चुके हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब मारो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी दिखाओ, शेयर मारो उनको। तो यार मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, मैं हर रोज़ एक एक वीडियो लाता ही रहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूनिक वीडियोस। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए प्ले गेम्स, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी गेमडियन, पीस आउट।
हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी से यार मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार हमारी चैनल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है क्लैश ऑफ क्लैंस कम्युनिटी में।